गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो बज गए सुबह के 6:35 और हम जा रहे हैं वॉकिंग के लिए। वॉकिंग के लिए वैसे ही जाएंगे, पहले से वृंदावन लॉन 2 किलोमीटर, देन वापसी, देन NH 30 होते हुए लाल बाग अम्बेडकर मूर्ति का, फिर वहाँ से यू टर्न लेके हम आ जाएंगे घर। तो 8 किलोमीटर भी हो जाएंगे और बढ़िया वॉकिंग भी हो जाएगी, फिर चलेंगे राइडिंग में। तो हम निकल चुके हैं भाई वॉकिंग के लिए घर से और बस NH 30 पहुँचने आते, तो बढ़िया वॉकिंग करेंगे मस्त, और फिर NH 30 होते हुए कल जैसे वॉकिंग कर लेंगे बढ़िया। तो वॉकिंग करते करते वृंदावन लॉन से आगे आ चुके हैं भाई, और अभी तो लास्ट तक जाना है हमें, नैन फिर वापसी होना है। आ गए भोलेनाथ के द्वार, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, श्री शिवाय नमस्तु भूम, 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 और राधे कृष्ण मंदिर, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। अब चलते हैं आगे मस्त, अपनी वॉकिंग कंप्लीट करते हैं भाई, दर्शन हो गए बढ़िया योगेश्वर महादेव के। तो वॉकिंग करते करते इस ट्रैक में आ गए भाई, अभी तो मंजिल दूर है, अभी 0.6768 ऐसे किलोमीटर हुए हैं, तो अभी तो चलना है काफ़ी। चलते चले चलना है अभी, तो भाई वॉकिंग करते करते हम चलते चले गए तो पता ही नहीं चला हम आगे आगे, और लगभग 2.70 किलोमीटर होने वाले, तो थोड़ा सा और चलते हैं तो 3 किलोमीटर यहाँ हो जाएंगे हमारे। तो भाई वॉकिंग करते करते 3.2025 किलोमीटर हो चुके हैं, और हम सोच रहे हैं मुड़ के ना इसी तरफ चलते चलें और गणपति रिसोर्ट के रास्ते होते हुए घर चले जाएँ, तो 8 किलोमीटर वैसे भी हो जाएंगे। तो आज कुछ नया फिर से कि पूरा एक लंबा ट्रैक राउंड, तो ऐसे ही चलते हैं भाई आज। तो ये वॉकिंग करते करते 3.90 किलोमीटर और हम पहुंच चुके हैं प्रयास स्कूल के पास, तो वैसे ही चल रहे हैं सीधा, कोई टर्न नहीं कुछ नहीं, हाड़गुड़ा चौक से टर्न लेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ बस, और फिर सीधा घर की ओर। ये पहुंच गए भाई हाड़गुड़ा चौक और 5 किलोमीटर कंप्लीट, अब यहाँ से टर्न, 3 किलोमीटर घर, तो हो जाएंगे हमारे 8 किलोमीटर। तो 5.45 किलोमीटर डन भाई, और हम बस गणपति रिसोर्ट पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ से घर पहुँचते 8 किलोमीटर थोड़ा से ज़्यादा हो जाएंगे शायद, या शायद 8 ही किलोमीटर हो जाएंगे, फिर उठाना है राम प्यारी और राइडिंग में निकलना है हमें। गणपति रिसोर्ट फाइनली पहुँच गए हम, और अभी तो चलना है। तो ये रहा गणपति रिसोर्ट, और ये राधा स्वामी सत्संग डेरा, फाइनली NH 30 और लगभग 6.85 किलोमीटर हो चुके हैं, तो कुछ नया हो गया आज वॉकिंग एकदम नया। महाराणा प्रताप चौक फाइनली, बस यहाँ से टर्न लेना है भाई लेफ्ट हैंड की तरफ, तो 7.70 किलोमीटर हो गए, तो फाइनली घर पहुँच गए भाई, और 8.16 किलोमीटर हो गए हमारे, और कुछ नया टोटल नया इन 3 सालों में,
जो हम वृंदावन लॉन से पूरा मंगरू का चौरा हाटगुड़ा होते हुए गणपति रिसोर्ट के रास्ते इस तरफ आ गए। तो अब चलते हैं मस्त। देखो राम प्यारी खड़ी है, राम प्यारी लेके चलते हैं राइडिंग में। मम्मा मिट्टू बेटू मिट्टू बेटू मिट्टू करते करते वृंदावन लोन से आगे दो मंजिल दूर है। आज सीधे ही चलेंगे लंबा 17 किलोमीटर के लिए। तो ये राइडिंग करते करते भाई ऐसे हो सकता है, सीधे ही जा रहे हैं भाई। तो आज सीधे ही राइडिंग करते हुए कहीं नहीं मुड़ेंगे, कुछ नहीं, एकदम सीधे जाएंगे। यहाँ तक राइड करते हमें 3.25 किलोमीटर हो गए भाई। रोड अब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक चलते हैं, जितने ज़्यादा किलोमीटर हो जाए सीधे ही सीधे इसी ट्रैक में ही हो गए। 8-8.5 किलोमीटर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस तरफ भी देखो पूरे जोंदरे की खेती है, छोटे हैं पेड़ इस तरफ। और ये साउंड यार, तो लगभग 4.5 किलोमीटर हमें हो चुके हैं और रोड अच्छा है काफ़ी, तो आ सकते हैं इस तरफ भाई रोज जब तक मन ना भरे। अभी तो चल ही रहे हैं, अब कोई सा गांव आने वाला है। वापसी होती हुई हमारी और 5.85 किलोमीटर हो चुके हैं। 5 किलोमीटर हम गए इस तरफ और इसी रोड में फिर वापसी। तो अच्छा रोड है यार 10 किलोमीटर तक के लिए, सीधा सीधा, नो टर्निंग। तो इधर भी देखो पूरा जिस ट्रैक में भी आते हैं उस तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत, हरे भरे पेड़ पौधे यही सब। और यहाँ भी देखो जोंदरे की खेती पूरी। भाई आदेश्वर एकेडमी तरफ चले गए थे हम फर्स्ट टाइम और ज़्यादा 7 रोड ख़त्म, तो अब बचे हुए 6.5-7 किलोमीटर हम उसी ट्रैक में कंप्लीट करेंगे जैसे कल किए थे। तो वो 5-6 राउंड में कंप्लीट हो जाएंगे भाई। फिलहाल वापसी होते अपनी राम प्यारी के संग। ये बस जो जा रहे हैं उसके बाद जो वापसी है फर्स्ट कंप्लीट, तो घर जाएंगे हम। घर जाएंगे तो मम्मा जी जाएंगे मंदिर, तब तक हम राइडिंग हो जाएंगे। बस राइडिंग भी हो गई, वॉकिंग भी हो गई, शाम कुछ टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। बढ़िया राइडिंग कर रहे हैं। 9:20 हो चुके हैं टाइमिंग, तो आई होप 9:30 तक हम घर पहुँच जाएंगे। वापसी मैं जाने स्टडी आने वाला है फिर घर, और 9:30 भी होने वाले हैं लगभग। तो भाई साहब राइडिंग खत्म, 17 किलोमीटर की, हम आ चुके हैं घर। मम्मा तो मस्त चलते हैं, रेडी होते हैं। और बज गए 10:24, तो चलते हैं पूजा करते हैं फटाफट और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में खाएंगे अमरूद एंड अंगूर, चलते हैं पूजा करते हैं। बढ़िया मंदिर है हमारे, मंदिर जय भगवान जी, जय बाबा जी। पूजा हो गई कम्प्लीट, शाकाहारी सब चल पी है। अब चलते हैं
रास्ते में अमरूद अमरूद सेब मस्त खाते हैं भाई। सेब और अंगूर आ चुका है और बुआ जी आके फर्रे बनाएंगे उसको खा लेते हैं। शाम 5:30 बज गए तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए ऐसे ही तो सन्निया चल के बैठते हैं, देन टाइम हुआ तो फिर मलेके यहाँ चल देंगे। फिलहाल निकलते हैं मस्त गड्डी में और जल भी चढ़ा लेंगे भोलेनाथ को। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, श्री शिवानस्तु, श्री शिवानस्तु, श्री शिवानस्तु, श्री शिवानस्तु। जल चढ़ा लिए भाई नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मंदिर के हो गए दर्शन, बजरंग बली के दर्शन हो गए, अब चलते हैं सन्निया वाले। पानी गिर गया, बर्मन भाई मन कर गया भजिया बड़ा खाने का, तो बड़े लोग आ गए, वो भजिया खा रहे हैं। पवन भाई, बर्मन भाई आज जिम छुट्टी हो गई, और ये अपना विशाखापट्टनम का हीरो चांदनी चौक का हीरो छाया हुआ है, पूरा सुर्खियों में, सुर्खियों में अपना भाई है। अभी भाई लोग सब खा रहे हैं, अभी चुके हैं 10 बज चुके हैं और हम आ गए सोने, क्योंकि हम डिनर नहीं कर रहे हैं, भूख नहीं हमें, तो बस सोते हैं, आराम करते हैं और इस ब्लॉग को करते आए हो। आप लोग का अच्छा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, दूसरे चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेगी वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम, जय भोले शंकर।